बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठे, उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए, और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पर चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल इसको सॉल्व करेंगे, कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए उनको तो असफलता फिक्स है, उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है इस जिंदगी में। हर कदम पर हमें कुछ ठोकरें लगती हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद रखिएगा, जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष देखा उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा बहुत आगे का भी सफर करता है। इसलिए जिंदगी से संघर्ष से सीखना जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप सब देश के किसी भी कोने में रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, अपने गुरु का हाथ पकड़ के चले, जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के सारे स्टूडेंट्स को मेरे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्हें जल्दी से जल्दी भगवान सफल करें, और अपने माँ बाप का सपना लेकर वो, जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी वो सपना पूरा करें, ताकि माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके।